हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु से धीरेंद्र सिन्हा। आज आए हैं हम प्रिंसेस पार्क। 3+ सर्वेंट का फ्लैट है। काम अभी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते का काम है। वो भी वीडियो आपको बना के दूंगा और ये वीडियो भी बना के दूंगा, पर ये वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, रियलिटी में वुडन वर्क होता है या वायर होता है, क्या साइज है, क्या प्राइस है, लोकेशन बाई लोक हर चीज़ आपको मिलेगा। 50-60% 70% काम हो चुका है, 30% काम बचा हुआ है। जैसे फुल्ली लोडेड किचन होगा एंड बाथरूम वगैरह, किचन का लाइटिंग वाइटिंग और वाइट वॉश वगैरह का, तो 30% काम बचा हुआ है। दूसरी बात, प्रिंसेस पार्क बहुत ही मेंटेन सोसाइटी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये टॉप फ्लोर नहीं है, फोर्थ फ्लोर है। और उससे भी बड़ी बात है कि पर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। ये आपका लिफ्ट है। लिफ्ट के बाहर निकलते ही आपका ये ऊपर जाता है, सीढ़ियाँ हैं और एक नीचे सीढ़ी जा रही है। और ये फ्लैट है, इसके ऊपर कोई अगल बगल में कोई भी, आपको चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ। ये भी आपका भी कंप्लीट होगा, इसमें भी काम हो रहा है। और ये सामने आपका पार्क है। और ये देखिए, इस ऐसे सामने पार्क है, मैंने चारों तरफ राउंड कर दिया। एक फ्लोर पे सिंगल फ्लैट होता है और सिंगल फ्लैट का फ्लैट है। इसमें एक रिजर्व पार्किंग मिलेगा, एक आउटसाइड पार्किंग मिलेगा, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। और एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, आपका पर्सनल लिफ्ट, पर्सनल फ्लैट, पर्सनल फ्लोर। तो आप पर्सनल फ्लैट में चलते हैं और देखते हैं काम कितना बाकी है और कैसा काम है। ये हम एंट्री कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर वुडन का काम चल रहा है, एंट्री करते ही आपका सर्वेंट रूम आ जाता है। ये सर्वेंट रूम है, इसमें भी अभी काम होना बाकी है, जैसे बिजली का होगा, वाइट फैन वगैरह जो भी है। साइज सर्वेंट रूम का सही है, इसके साथ अटैच बाथरूम है। सर्वेंट रूम का साइज काफी अच्छा है। अभी सारे वुडन वर्क हो रहे हैं जिसमें आपको फर्निश्ड में काम होगा। ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। ये ड्राइंग एरिया, अभी थोड़ा सा आपको लकड़ी वगैरह सामान रहे तो लगेगा थोड़ा सा। ये ड्राइंग है, सारा फर्नीचर का काम चल रहा है, वुडन का काम चल रहा है। इसके साथ ही आपका एक बड़ी बालकनी है। किचन में आपको चिमनी, ओवन, माइक्रोवेव ये सारा लगा के दिया जाएगा, फुल्ली लोडेड होगा। एंड बालकनी का व्यू काफ़ी अच्छा है। आप ये देखें, सामने सोसाइटी है और ये आपका नीचे का लोकेशन है। बालकनी का साइज काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ी सी एंटी टाइप का फर्नीचर बनाया जा रहा है, वुडन का काम चल रहा है। दाने वाली सोसाइटी है, लाइट वाइटिंग का काम होगा। उसके ये लकड़ी का काम हो जाने के बाद इसमें सारा वाइट वॉश होगा, फिर फिनिशिंग किया जाएगा। आप देख रहे हैं सारा काम चल रहा है। इस मेन मकसद होता है आपका ये किचन में भी काम, फुल्ली लोडेड होगा किचन, काफ़ी बड़ा साइज है ड्राइंग डाइनिंग का। यहाँ से देखिए, ये आपका मेन डोर, सारे पुराने आइटम हट चुके हैं। बिजली का वायर देखें, वो भी आपका चेंज हुआ है। और ये किचन बनेगा, किचन में सारा पुराने सामान हटा दिए गए हैं, पत्थर लग चुका है, चिमनी लगेगा, सारा मतलब एंटी किचन बनेगा। किचन जैसे आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में कि फुल्ली लग्जरी टाइप का, फुल्ली लोडेड किचन होता है। और बाथरूम का आप साइज देखिए, फर्स्ट बाथरूम है, काफ़ी अच्छा साइज है बाथरूम का। और बाथरूम से निकलते पहला बेडरूम हो गया, ये फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम के साथ इसमें भी काम चल रहा है, कवर्ड वगैरह का कवर्ड बन रहा है। इसके विंडो का सामने आप देख सकते हैं, आपके अभी लाइट पंखे नहीं चल रहे, फिर भी काफ़ी क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है।
कवर्ड वगैरह बन रही है सारा। इसके साथ भी एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पे वॉशिंग एरिया भी बन सकता है। और ये सोसाइटी का व्यू है इस बालकनी से। ये दूसरी बालकनी हो गई, पहला बेडरूम, पहला बाथरूम और ये पहला बालकनी, नहीं सॉरी सेकेंड बालकनी था। एक ड्राइंग डाइनिंग के साथ काफ़ी बड़ा बालकनी था। इसके साथ ये फर्स्ट बेडरूम था आपका। इसमें अभी कवर्ड का काम चल रहा है, फ्लोरिंग का काम हो गया है, इसके बाद बिजली का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का। एंड ये आपका सेकेंड बेडरूम है। बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, फुल्ली लग्जरी वर्क करके मिलेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें आपको नहीं मिलेगा, फुल्ली लग्जरी वर्क होगा। ये टीवी का दिया गया है, देखिए वायर भी चेंज हुआ है, सारे चीज हम लोग चेंज कराते हैं, एवरीथिंग, किचन का हर एक आइटम चीज हटा दिया गया है। ये कवर्ड है और इसके साथ भी अटैच बाथरूम है। और इसके साथ भी तीसरी बड़ी तीसरी बालकनी। तीसरी बालकनी थी, रूम साइज आप देख सकते हो काफी अच्छा साइज है इसका, 3+ सर्वेंट का है, फुल्ली लोडेड लग्जरी वर्क करके मिलेगा। काम आप देख ही रहो, चाहे वो बिजली का काम हो, फ्लोरिंग का काम हो, प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे दरवाजे हो, खिड़की हो, और बाथरूम फिटेड हो, किचन हो, किचन फुल्ली लोडेड होगा, चिमनी से लेके आपको माइक्रोवेव ओवन सब लगा के मिलेगा, फुल्ली लग्जरियस काम करके मिलेगा आपको ये। एंड देन थर्ड बेडरूम, थर्ड बेडरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, कवर्ड बन गया है, अब इसमें फिनिशिंग होनी है। एंड तीसरा बाथरूम, बाथरूम के सारे बाथरूम के साइज मुझे अच्छे लगे। ये ग्लास डोर लगा जहाँ पे बात करने के लिए वॉश, यहाँ से आपका ये बंद हो जाता है। इस रूम का भी साइज अच्छा है, आई थिंक इसके साथ भी बालकनी है, यानी टोटल 4 बालकनी है। हाँ जी, ये भी बालकनी है और इसके भी साइज अच्छे हैं, 4 बालकनी है और चारों बालकनी का एक ड्राइंग डाइनिंग के साथ था और तीनों बेडरूम के साथ था। ड्राइंग डाइनिंग वाली काफ़ी बड़ी बालकनी थी और तीनों रूम के साथ स्टैंडर्ड साइज बालकनी का था। और आपकी लोकेशन भी आप नीचे का लोकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंसेस पार्क था, 3+ सर्वेंट का फ्लैट है, अल्ट्रा लग्जरी वर्क चल रहा है और अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट आपको मिलेगा, चाहे जिस टाइप का बाथरूम का हो गया, चाहे रूम हो गया, चाहे कवर्ड हो गए, चाहे बिजली का काम हो गया, चाहे प्लम्बरिंग का काम हो गया, चाहे किचन का काम हो गया, चाहे जो भी है, सब कुछ आपको न्यू ब्रांडेड करके मिलेगा, जिसमें कुछ भी ऐसा पुराना सामान नहीं लगा हुआ है, फुल्ली लग्जरियस काम होगा, चाहे फुल्ली लोडेड किचन बनेगा, सारा बाथरूम से देख रहे हो। और ये बहुत ही लंबा एक स्टोरेज दिया गया है सामने, आप देख सकते हो सामने बिल्कुल फुल्ली आपको लोडेड स्टोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टोर का सिस्टम है। तो दोस्तों इसकी आस्किंग जो है वो 2,39,00,000, 2,39,00,000। फिर अगेन मैं भी बोलता हूँ, नेगोशिएबल है और फुल्ली आपको इसमें एक पैसे का काम नहीं करना पड़ेगा, नेगोशिएबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लोन मिलता है। और इसकी आस्किंग प्राइस है 2,39,00,000, 2,39,00,000। अगेन मैं बता रहा हूँ, 2,39,00,000, 3+ सर्वेंट का फ्लैट है, फुल्ली लग्जरी, फुल्ली लोडेड, फुल्ली न्यू वर्क, अनयूज्ड। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।